सार्वजनिक शिक्षा को बचाने और शिक्षक हितों की रक्षा के लिए शिक्षक संगठनों का हुआ एकीकरण। शिक्षकों की ज्वलंत मांगों को लेकर और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ संघर्ष होगा तेज। आज राजस्थान शिक्षक संघ ने उनके मुद्दों को लेकर जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें शिक्षक संघ से जुड़े उन्होंने कहा कि राजस्थान के शिक्षकों के समक्ष अनेक मुद्दे हैं जिनका लंबे समय से समाधान नहीं हुआ है। हर सरकार ट्रांसफर नीति तैयार करती है लेकिन नीति कभी लागू नहीं की जाती और ट्रांसफरों में जमकर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और मनमानी होती है। यहाँ न केवल शिक्षकों के लिए अन्यायपूर्ण है बल्कि इसका शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी घातक प्रभाव पड़ता है। गुणवत्ता शिक्षकों पर थोपा जा रहे हैं। गैर शिक्षिका कार्यों ने सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ दी है। गुणवत्ता और शिक्षकों को शिक्षक कार्य से अलग बहुउद्देशीय कार्मिक बना दिया गया है। यह शिक्षा अधिकार कानून का उल्लंघन है और शिक्षक की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। शिक्षकों के हजारों पद खाली और हजारों शिक्षकों की पद उन्नति वर्षों से लंबित है। शिक्षा का निजीकरण करने और संविदा पर शिक्षकों को नियुक्त करने, बड़ी संख्या में विद्यालयों को बंद करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राज्य में थोपी जा रही है। सुनिए राजस्थान शिक्षा संघ महावीर सिहाग ने क्या कुछ कहा। भी राजस्थान में लंबे समय से शिक्षकों के जो मुद्दे हैं वो लंबित हैं, चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी का मामला है, चाहे खाली पदों को भरने का मामला है, चाहे पदोन्नति का मामला है, कोई समस्या का समाधान लंबे समय से हुआ नहीं है। और इसी तरह से अभी नई एक जो सारे कर्मचारियों के सामने जो चिंता है बहुत बड़ी सरकार बदलने के बाद, खासकर कि पुरानी पेंशन हमारी जारी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये एक आशंका हमारे सबके दिमाग में कर्मचारियों के है। और इसी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सरकार ने अभी घोषणा की है तेजी से लागू करने का, और वो शिक्षा नीति हमारा आकलन ये है कि वो शिक्षक के खिलाफ है, विद्यार्थी के खिलाफ है और आम जनता के खिलाफ है। तो इन मुद्दों को लेकर के हम राजस्थान के स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं और उस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन हम बनाना चाहते हैं। और इसलिए ये आवश्यक है कि शिक्षक संघों में एकता हो, और आज हम आपके बीच में घोषणा करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि एक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष साथी फैलीराम जी मीणा हमारे सामने है। मैं शिक्षक संघ दूसरे का प्रदेशाध्यक्ष महावीर सिहाग, हमारे उपेंद्र शर्मा महामंत्री और पवन जी शर्मा उसके महामंत्री हैं। हम सब ने जो यहाँ लोग बैठे हैं, संगठन के शीर्ष नेता जो राजस्थान के बैठे हैं, हमने तय किया है कि बदली हुई परिस्थिति में जब हमारे मुद्दे एक हैं, हमारी मांगे एक है और हमारे वैचारिक कोई मतभेद नहीं है, इसलिए हम दोनों संगठनों का आज एकीकरण करने की आपके समक्ष घोषणा कर रहे हैं। और राजस्थान में ये एक होकर के जो संगठन है वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा, और हमारा अगला प्रयास ये रहेगा कि बाकी जो शिक्षक संघ है उनको भी हम एक मंच पर लाते हुए और इन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करें और कर्मचारी आंदोलन को पूरे राजस्थान में उस मुकाम पर लेकर के जाएं जहां हमारे मुद्दों का समाधान हो, हमारी मांगों को सरकार मानने के लिए मजबूर हो।